पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सुबह सिंध के रहनुमा डिस्ट्रिक्ट सखर के सदर सैयद शफकत अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध में सैलाबी सूरतेहाल की पेशगी इतला के बावजूद महकमा आबपाशी को एक खास इकदाम नहीं कर सकी, जिसके बायस सिंध के मुख्तलिफ कच्चे के इलाके जेरे आब आ चुके और लाखों रुपए की फसलें तबाह हो चुकी हैं। सखर बराज के गेट बंद होने की वजह से सखर का तारीखी वर्षा मखदूश हालत से दो चार है, बल्कि हजारों गाँव को सैलाबी सूरतेहाल के बायस बेघर होना पड़ा। महकमा आबपाशी के नाअहल करप्शन में मुलविस इंजीनियर एक्साइन और ठेकेदारों की जानिब से बंदों की पश्तों की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल और करप्शन वाजिया हो चुकी। सैलाबी सूरतेहाल के दौरान नकल मकानी करने वाले अफराद को अब तक हुकूमत सिंध और महकमा आबपाशी की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया जा सका, जो इंतहाई अफसोसनाक है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुसीबत की इस घड़ी में फंक्शनल लीग सैलाब जदगान के साथ खड़ी है और इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। कैमरा टीम के साथ तुफैल अहमद विसड़ो, एच एन ए न्यूज़, सखर।